हैप्पी बर्थडे टू यू। ब्लॉग में आओगे ना आप यार, ये तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आप दाई को भी और मुझे भी। ये हाँ फिर क्या, ये ब्लॉग में भी दिखाई देगा ना ऐसे करके, यहाँ से हम विश कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे बोल के। तो आज है जन्मदिन मेरा और दाई दोनों का, हम दोनों भाइयों का जन्मदिन एक ही दिन के लिए आता है और हम दोनों भाइयों में डिफरेंस है एट इयर्स का डिफरेंस है और हम दोनों का जो बर्थडे है वो सेम ही है। तो मम्मा विश कर रही हैं दादा को, मुझे तो सुबह ही विश कर दिया था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अतर का गा रहा है फोन। आज मैंने ठीक है, कब आ रहे हो? कब आ रहा है तू? जून 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 भी जा, चार जून हो गया। तो जी अभी अपन लोग निकल चुके हैं कौसानी के लिए और बिंता पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग बिंता में हैं और ये है बिंता का वेदर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत ही गजब सा। और अभी हम लोग जा रहे हैं कौसानी। कौसानी में आज होने जा रहा है एक बढ़िया सा इवेंट, बताऊंगा उस इवेंट के बारे में क्या इवेंट है। और अभी निकल रहा हूँ इस पुल से जो जाती है यहाँ से सोमेश्वर वाली लाइन को जोड़ने जा रही है, ये पुल नीचे जा रही है नदी। अभी अपन लोग चल रहे हैं लोध घाटी में और ये लोध घाटी का व्यू आप लोग देख रहे होंगे चारों तरफ से, ये एकदम घाटी वैली में बसा हुआ है और पूरा प्लेन सा एरिया है। यहाँ पर धान और गेहूँ की काफ़ी ज़्यादा खेती होती है और अभी ना ये लोग पराली के लाने में दूसर फहरा रहे हैं। इधर पहाड़ी छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं पहाड़ में जो कि पत्थरों से बने हुए हैं। रोड साइड पे तो इस तरह से सीमेंटेड वाले घर ही देखने को मिलेंगे, बट रोड हेड से थोड़ा सा अगर आप दूर जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे इस तरह के घर जो एकदम पहाड़ी स्टाइल से बने होंगे, पत्थरों से बने हुए होंगे। बहुत मस्त सा सीन आ रहा है सामने पर, अगर दो चार बादल अगर हवा में उड़ रहे होते तो और ज़बरदस्त। तो अपन पहुँच गए अभी सोमेश्वर पे और अब यहाँ से 15-20 किलोमीटर का रास्ता और बचा है। तो कौसानी जाने के रास्ते पर मुझे मिला एक छोटा सा यहाँ पे छोटी सी नदी और यहाँ पे देखो स्नान चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे नहा रहे हैं और बढ़िया सी डाइव लगा रहे हैं इस बच्चे को देखो, वहाँ भी 1 2 3 गो। तो बहुत बढ़िया सी डाइव लगा रहे हैं, चारों तरफ का मूड माहौल कुछ ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं रुका हुआ था कौसानी जाने के रास्ते पे, भी वापस चलते हैं कौसानी के रास्ते पे। तो यहाँ पे रुके थे थोड़ी देर, हम लोगों ने नहाने की कोशिश की, थोड़ा बहुत नहाया, बॉडी को थोड़ा सा ठंडा किया और ये ब्रिज बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे। तो अभी हम पहुंच गए हैं कौसानी के पास में और ये मंदिर ऐसा मंदिर है जहाँ पर की जो गाड़ियाँ आती हैं वो यहाँ पर आके टीका जरूर लगवाती हैं। हम लोग अभी नहीं लगवाएंगे पर यहाँ पर आके काफ़ी गाड़ियाँ रुकती हैं और यहाँ पर टीका लगवाती हैं। जैसे पिथौरागढ़ को जाते टाइम गुरना माता के मंदिर में रुकते हैं तो वैसे ही इस मंदिर पर भी काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु रुकते हैं गाड़ी वाले। तो चलिए कौसानी हम लोग पहुँचने वाले हैं, सामने दिखाई दे रहा है कौसानी, कौसानी हम पहुँचते हैं उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो अपन पहुंच गए कौसानी मार्केट पे और अभी हमें जाना है इस दिशा में, तो हम आगे को बढ़ते हैं और उस लोकेशन पे पहुंचते हैं अपने। तो अपन लोग पहुंच चुके हैं MTV कौसानी के इस पहले सीज़न में, आज पहली बार हमारे कुमाऊं रीजन में या फिर बोलें इस रीजन में MTV रेस होने जा रही है, साइकिलिंग इवेंट है पूरा का पूरा जो करवा रहे हैं प्रदीप राणा जी। प्रदीप राणा जो कई कंट्रीज़ में विजिट कर चुके हैं तो आज यहाँ पर MTV कि साइकिलिंग रेस होने वाली है उसके लिए हम लोग भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। तो कॉन्ग्रेचुलेसन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रदीप भाई को जो उन्होंने इतना बड़ा इवेंट रखा है यहाँ पे। और अभी हम लोग गांधी स्मारक पे हैं,
बहुत सारे साइकिलिस्ट यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। एक विजिटिंग प्लेस भी है कौसानी, आप लोग जानते हैं कौसानी उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो इधर अपने ये प्रदीप भाई हैं, अपने इस इवेंट के जो मेन हैं, जो इस इवेंट को करवा रहे हैं प्रदीप जी। प्रदीप के बारे में बताऊँ, प्रदीप अभी 19 कंट्रीज विजिट कर चुके हैं, काफ़ी कंट्रीज़ में घूमे हुए हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस लेके आज यहाँ पे कुमाऊँ में फर्स्ट टाइम MTV जैसी इवेंट को करवा रहे हैं। हाँ, तो आज है आपके भाई का बर्थडे, यानी कि मेरा बर्थडे है आज, और इस उपलक्ष में मैं हूँ कौसानी में भी, और कौसानी में हम लोग अभी आए हैं एक रेस्टोरेंट पे, दिखाता हूँ आपको। इस रेस्टोरेंट पे हम लोग अभी लंच करने आए हैं, मैं और ताई, दिखाता हूँ आप लोगों को। तो मैं आया था कौसानी पे रेस्टोरेंट पे, और इधर मेन कौसानी का चौक है, चौक के सामने ही एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट के लुक्स तो बढ़िया हैं, बट मैंने वहाँ पे अभी फ्राइड राइस मंगाया, तो फ्राइड राइस इसका ना 180 रुपीज़ का है, और इसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल एकदम बहुत बेकार है। और ये चटनी है, चटनी का टेस्ट तो मतलब ऐसा बताऊँ मैं आपको, ऐसा लग रहा 2-3 दिन पुरानी है। इस रेस्टोरेंट का नाम है क्वालिटी रेस्टोरेंट, तो एक क्वालिटी रेस्टोरेंट जो है कौसानी में, अगर आप लोग यहाँ पर आते तो प्लीज़ यहाँ पर मत फूड ऑर्डर मत कीजिएगा, इसका टेस्ट बिल्कुल बेकार है, मैंने रिजेक्ट कर लिया, मैं इसे नहीं खा रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा मैंने मंगाया हुआ मसाला डोसा, जिसमें इसने चटनी देखो कितनी दी हुई है, आप देख रहे हो चटनी का थिकनेस ही नहीं है, और जो सांभर है सांभर भी बिल्कुल ही एकदम पानी पानी सा। डोसे का टेस्ट करके आप लोगों को बताता हूँ, तो डोसा मैंने टेस्ट किया था, ये तो देख ही रहे आप लोग, इस पर कितना थिकनेस ही नहीं है इस पर बिल्कुल भी, और सांभर ऑल ऑन एवरेज है, और डोसा भी ऑल ऑन एवरेज है। तो ये है क्वालिटी रेस्टोरेंट, तो अगली बार अगर आप लोग कौसानी विजिट करते हैं तो इस रेस्टोरेंट को अवॉइड ही कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगा इसका खाना जेन्युइन है। हमने फ्राइड राइस मंगाए थे, ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो अपने केली पॉल जो है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं इस MTV कौसानी को। तो आज हुआ कुछ ऐसा कि MTV कौसानी जो रेस है वो होने जा रही है कल पे, एक्चुअली आज रजिस्ट्रेशन और यही चीज़ें सारी चीज़ें हो पाई, क्योंकि काफ़ी साइकिलिस्ट जो थे वो नहीं पहुँच पाए थे, तो कल मेनली इवेंट मेन जो इवेंट होगा वो कल होगा। तो जी अपन लोग पहुंच चुके हैं बिंता पे, और बिंता पे जब पहुंच गए बिंता, तो अब नहीं है कोई भी चिंता, पहुंच जाएंगे इसके बाद घर पे। घर पहुंच यहां से मात्र 18-19 किलोमीटर है। तो मैं आ गया था बिंता पे, और बिंता पे मैंने ले लिए हैं मोमो।